हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लर्क की एक क्लाइंट डायना उसे अपने कैफे के लिए फर्नीचर डिजाइन करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट देती है। डायना अपना कॉफी कैफे फिलिपिन में खोलना चाहती है और क्लर्क को वहाँ जाकर कैफे का इंटीरियर और फर्नीचर डिजाइन करने को कहती है। क्लर्क इस अपॉर्चुनिटी के लिए तुरंत हाँ बोल देता है। क्लर्क फिलिपिन आ जाता है। क्लर्क की ग्रैंडमा और उसके सिबलिंग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। क्लर्क फर्नीचर के काम के लिए दो कारपेंटर हायर करता है, एक्सो और कीको। क्लर्क की उनसे अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्लर्क उन्हें ल्यू के घर का एड्रेस दिखाता है और पूछता है ये कहाँ है। एक्सो और कीको बोलते हैं हमें ये एड्रेस पता है, पर आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, क्या आपकी गर्लफ्रेंड रहती है। क्लर्क बोलता नहीं, मेरी वाइफ रहती है। एम्प्लॉय क्लर्क को छुपते छुपाते चोल के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। एक कुत्ता उन्हें देखकर भौंकने लग जाता है। तभी टूलिस्ट नाम का एक लड़का उन्हें देखकर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है वो चोर है। टूलिस्ट चिल्लाकर पूरी कॉलोनी को वहाँ बुला लेता है। पूरी कॉलोनी उनकी पिटाई करने वाली होती है। तभी कीकू डर की मारी बोल देता है हम चोर नहीं है, हम तो यहाँ बॉस की वाइफ लियो को ढूंढने आए हैं। सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। एक नेबर लियो और उसके फादर को बताती है एक लड़का नीचे बोल रहा है वो तुम्हारा हस्बैंड है। लियो आकर देखती है ये तो क्लर्क है। लियो क्लर्क को देखकर शॉक हो जाती है। लियो के फादर और उसके पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है लियो ने शादी कर ली है। लियो क्लर्क को वहाँ से भगाती है, तुम यहाँ से जाओ मैं सब देख लूंगी। क्लर्क लियो को बोलता है अब तो तुम्हारे फादर को सब पता चल गया तो अब किस बात का डर है। लियो क्लर्क को ऐसे तैसे कर समझा कर वहाँ से भेज देती है। दूसरी ओर फादर गुस्से में होते हैं, उनकी बेटी ने बिना बताए शादी कर ली और पता नहीं लड़का कैसा होगा। टीफी फादर को बताती है आप परेशान ना होए, क्लर्क जीकी का कजन है और बहुत ही अच्छा लड़का है। फादर बोलते यानी सबको पता था कि लियो ने शादी कर ली है, बस एक मैं ही बेवकूफ हूँ जिसे घर में डेकोरेशन समझा जाता है और कुछ नहीं बताया जाता। टीफी अपने फादर को समझाती है ऐसी बात नहीं है। लियो फादर से माफी मांगती है बिना बताए शादी करने के लिए, पर ये नहीं बता दी कि उसने ग्रीन कार के लिए क्लर्क से शादी की थी, बल्कि बोलती है मैं उससे प्यार करती हूँ इसलिए शादी की थी। फादर अपनी बेटी के प्यार के लिए खुद को समझा लेते हैं। फादर लियो को बोलते हैं क्लर्क को कॉल कर बुलाओ। लियो पूछती है क्यों। फादर बोलते हैं मुझे अपने सन इन लॉ से बात करनी है। लियो कॉल मिलाकर देती है। फादर क्लर्क को अपने घर इनवाइट करते हैं। क्लर्क खुश हो जाता है। लियो फादर से पूछती है आपने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। फादर बताते हैं उसका टेस्ट लेने के लिए कि वो मेरी बेटी के लिए परफेक्ट है भी या नहीं। क्लर्क फादर से मिलने आता है और देखता है फादर ने उसकी क्लास लगाने का सारा इंतजाम किया हुआ है। फादर अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्लर्क को खूब पिलाते हैं ताकि वो कुछ भी पूछे तो क्लर्क नशे में सच ही बोले। लियो डर जाती है कहीं क्लर्क के मुंह से फिक्स मैरिज की बात ना निकल जाए। फादर क्लर्क से पूछते अभी तक तुमने कितनी शादी की है। क्लर्क बोलता है एक। फादर पूछते तुम्हारे क्या ऑलरेडी बच्चे हैं। क्लर्क बताता अभी तक तो नहीं। फादर क्लर्क से पूछते तुम अमेरिका में क्या काम करते हो। क्लर्क बताता है वेटर हूँ, वुडन वर्क करता हूँ, होटल में भी वर्क करता हूँ और कभी कभी पोल डांस भी कर लेता हूँ। पोल डांस सुनकर सबका मुंह बंद हो जाता है। क्लर्क बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। लियो के फादर क्लर्क से इतने सवाल जवाब करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते। ज्यादा ड्रिंक की वजह से क्लर्क को वोमिट आ जाती है। लियो उसे लेकर जाती है। फादर क्लर्क से पूछते हैं क्या तुम घर चले जाओगे। क्लर्क बोलता है आप चिंता ना करें मैं हैंडल कर लूंगा, और तभी भी होश हो जाता है। फादर लियो को बोलते क्लर्क को तुम अपने रूम में ले जाओ। लियो क्लर्क को अपने रूम में ले जाती है और उसकी शर्ट निकालती है। क्लर्क लियो को बोलता है आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर मेरा एक और इंटरव्यू ले रहे थे। लियो को क्लर्क की हालत देखकर हंसी आ रही होती है। क्लर्क का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। लियो ऐसे तैसे कर खुद को बचाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियो की फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है। क्लर्क बिना शर्ट पहने ही बाहर आ जाता है। फादर क्लर्क को बोलते हैं क्या तुम्हें कपड़ों से कोई एलर्जी है। लियो तुरंत क्लर्क को कवर करती है और फादर को बताती है वो लास्ट नाइट शर्ट गंदी हो गई थी इसलिए नहीं पहनी। फादर टूलेट्स को अपने कपड़े क्लर्क को देने को कहते हैं। क्लर्क को टूलेट्स के कपड़े में देख कर सभी उस पर हंसते हैं। फादर क्लर्क को बोलते हैं कल तुमने मेरे सवालों का जवाब दिया तो ये मत समझना कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम मेरी बेटी के लायक हो। क्लर्क बोलता आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करूंगा। इसके बाद क्लर्क वहाँ से जा रहा होता है। फादर क्लर्क को बोलते हैं मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा। क्लर्क बोलता है डोंट वरी मैं आ जाऊंगा, आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। लियो क्लर्क को बोलती है अगर मेरे फादर तुम्हें दोबारा फोन कर बुलाते हैं तो उन्हें इग्नोर कर देना। क्लर्क लियो को बोलता है अभी तुम्हारे फादर की हार्ट सर्जरी हुई है,
हमें उन्हें ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे फादर क्लर्क को कुछ दिन अपने घर रहने के लिए बुला लेते हैं ताकि क्लर्क के साथ रहकर उसे अच्छे से जान सके। लियो को क्लर्क पर गुस्सा आता है, मना नहीं कर सकते थे। क्लर्क बोलता है, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे फादर को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। लियो बोलती है, कोई जरूरत नहीं है कुछ प्रूव करने की। क्लर्क बोलता है, पर मैं तो करना चाहता हूँ। क्लर्क टूलेट से पूछता है, मैं अपने फादर इन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या करूँ। टूलेट आइडिया देता है, तुम उनके लिए पानी लेकर जाओ, यहाँ पानी नहीं आता। क्लर्क दो बाल्टी भरकर सेकंड फ्लोर तक लेकर आता है। क्लर्क को लगता है फादर इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन फादर बोलते हैं, दो बाल्टी सेकंड फ्लोर तक लाना कोई बड़ी बात नहीं, हम तुम्हारी उम्र में इससे ज्यादा कर लेते थे। क्लर्क टूलेट से पूछता है, अब मैं क्या करूँ। टूलेट बोलता है, तुम चोल में रहने वाले सभी लोगों के घर पानी देकर आओ, इससे पक्का ही लोगों के फादर इम्प्रेस हो जाएंगे। क्लर्क ये भी करता है, पर फादर पर कोई असर नहीं होता। ल्यू क्लर्क की ऐसी हालत देखकर अपने फादर से पूछती है, ये सब क्या है, क्लर्क को ये सब किसने करने को कहा। फादर बोलते हैं, ये मेरा नहीं, टूलेट्स का आइडिया है। ल्यू को टूलेट्स पे बहुत गुस्सा आता है। टिफी को टूलेट की हरकत के बारे में पता चल जाता है और उसकी पिटाई करती है। टूलेट 4 साल से टीवी पर लाइन मार रहा है, पर टीवी उसको जरा भी भाव नहीं देती। ल्यू क्लर्क को बोलती है, बंद करो। क्लर्क बोलता है, मैं आसानी से हाथ नहीं मारूंगा। क्लर्क अपने फादर इन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए घर की चीजें ठीक करता है, ल्यू के साथ मिलकर कपड़े भी धोता है। ल्यू के फादर ये सब नोटिस कर रहे होते हैं। ल्यू क्लर्क के साथ कितनी खुश है। एक वीक बीत जाता है, ल्यू क्लर्क को वापस घर जाने को कहती है। क्लर्क बोलता है, तुम्हारे फादर ने मुझे बुलाया है, जब तक वो मुझे यहाँ से जाने को नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। ल्यू बोलती है, तुम नहीं मानोगे तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। क्लर्क को गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। घर के बाहर टूलेट बैठकर रो रहा होता है। क्लर्क टूलेट से पूछता है, क्या हुआ। टूलेट क्लर्क को बोलता है, इन लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता, करती क्या है, चाहती क्या है और बोलती कुछ हो रही है। क्लर्क बोलता है, तुम सही कह रहे हो, वैसे मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही हो रखा है। दूसरी ओर लियो अपने फादर को बोलती है, आप क्लर्क को यहाँ से भेज दे। फादर बोलते हैं, क्यों, अभी तक मेरी क्लर्क के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई है। तभी क्लर्क अंदर आ जाता है और देखता है लियो कैसे उसे निकालने में लगी हुई है। फादर नहीं मानते तो लियो अपने फादर को बोलती है, मैंने क्लर्क के साथ ग्रीन कार्ड के लिए शादी की थी, यानी हमारी फिक्स मैरिज थी। ये सुनकर लियो के फादर को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी क्लर्क बोलता है, पर मैं लियो से प्यार करता हूँ। लियो क्लर्क को चुप होने को कहती है, मेरे फादर को सच पता चल गया, अब तुम जाओ यहाँ से। क्लर्क बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा। ल्यू के फादर दोनों को फाइट बंद करने को कहते हैं और एक एक कर दोनों को अपने रूम में बात करने के लिए बुलाते हैं। फादर ल्यू से पूछते हैं, क्या तुम क्लर्क को पसंद करती हो। ल्यू बताती है, हाँ, पर वो जीगी का कजन है, मेरी वजह से उसकी फैमिली में लड़ाई होगी जो मैं नहीं चाहती। इसके बाद फादर क्लर्क से भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं। क्लर्क फादर को बोलता है, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है वो मेरी फैमिली की वजह से मुझसे दूर भाग रही है। फादर दोनों की बातें सुनने के बाद क्लर्क को अपने घर रहने को कहते हैं और ल्यू को समझाते हैं, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड के साथ उसे फिक्स करो। ल्यू अपने फादर को बोलती है, नहीं, से यहाँ से भेज दो। फादर ल्यू को बोलते हैं, वो यहाँ से नहीं जाएगा, हस्बैंड का काम है उसकी वाइफ चाहे या नहीं, हमेशा उसका साथ देना और वो अपना काम कर रहा है, तो तुम अपनी प्रॉब्लम फिक्स करो। क्लर्क खुश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ल्यू की चोल वाले क्लर्क की हैंडसम फेस को देखकर उसे चोल के प्रिटी बॉय कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने को कहते हैं। क्लर्क साफ मना कर देता है, मैं शाय टाइप का लड़का हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। तभी ल्यू के फादर वहाँ आ जाते हैं और क्लर्क को बोलते हैं, क्या तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे। क्लर्क डर के मारे हाँ बोल देता है। सभी क्लर्क को कॉन्टेस्ट के लिए ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंग है, बाय बाय।